कोरोना संकट काल में सूबे की सरकार जहां छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए 1,000 रुपए का अनुदान दे रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां युवक खुलेआम कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने प्रधान और अधिकारियों के कहने पर अवैध वसूली की थी। आपको बता दें, ये पूरा मामला केंद्र सरकार ने छोटे दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और अपना कारोबार करने वालों के लिए अनुदान राशि की मंजूरी दी है। तो वहीं ब्लॉक निघासन के धर्मापुर ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के गुर्गे आपदा में अवसर तलाश कर सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं में भोली भाली जनता से जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। जो वो पासपोर्ट फोटो ना, जो 5 रुपए में बन जाता है, पासपोर्ट फोटो जो छोटा होती है, ये 5 रुपए में बन जाता है। एक दुकानदार का 100 रुपया। हेलो, डिलीट क्या करते भाई? तो यार अपने आप डिलीट कर। अरे तो कोई जरूरी है नहीं, इतना आदमी नौकर है कोई, कर अपन काम हुआ छोड़े बैठे यहाँ गाँव दौड़ रहे हैं। नौकरी करेगा कोई ना? बस नहीं, तुम्हारा काम ना है ठीक, तुम्हारा काम है सेक्रेटरी का, प्रधान काम है। प्रधान फोटो अपने आप खींचिया बन गई कंप्यूटर पर, तो प्रधान की प्रधान आदमी बनाओ का लिए जिम्मेदारी तो है। काम करवाई तो काम करवाई, तो मतलब फोटो पैसा ना, तो मतलब तो तुमका लगाया गया, मतलब वसूली करवाई 100 रुपया, जो जायज बनना 10-20 रुपया ले लो फोटो करे। नहीं हम क्या बात करें, तुम खुद प्रधान से बात करोगे? कदो गांव वाले 100 रुपया ना दे रहे हैं, कदो गांव वाले 100 रुपया ना दे रहे हैं, कदो खाली फोट। हां मैं बात तो करो प्रधान से, देखो कौन पसंद तू किसी पैसा दी हुए फोटो खींची योजना में नाम है फोटो खींचा गया, निकलवा बोलिए